वेलकम टू किचन एप्रिन। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन स्टाइल फिश करी। फिश करी के लिए मैंने यहाँ पे रोहू फिश लिया हुआ है, 600 से 700 ग्राम, बहुत फ्रेश है। ये हरा मसाला जो हमें पीसना है, इसमें है ये स्क्रैप किया हुआ फ्रेश कोकोनट, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्चें, 10-12 लहसुन की कलियाँ, हल्दी, ये मालवनी मसाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो प्लेन चिली पाउडर में आप गरम मसाला डाल के बना सकते हैं। नमक, ये गरम मसाला मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और ये है कोकम, अगर आपके पास कोकम नहीं है तो आप इमली को भिगा के भी डाल सकते हैं। एक छोटा सा टमाटर और एक छोटा प्याज तड़के के लिए। सबसे पहले हम फिश में नमक और हल्दी लगा देंगे, ये ऑप्शनल है, नहीं लगाएंगे तो भी चलता है, ये ऑप्शनल है। फिश अच्छे से साफ करके रख दीजिए। मसाले को हम पीस लेंगे, कड़ी पत्ता भी साथ में पीसेंगे, नहीं तो बच्चे निकाल देते हैं। हरी मिर्चें, मसाले में फ्रेश कोकोनट बहुत अच्छा लगता है फिश करी में। इसमें अदरक नहीं डाला जाता है, फिश करी में कभी भी अदरक नहीं डाला जाता, नहीं तो कड़वा स्वाद देता है। 2 चम्मच हम तेल डाल लेंगे, इसमें प्याज और एक कड़ी पत्ता डालकर हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए प्याज भून चुका है अच्छे से, इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम धीमी आंच करके इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे। मसाले तेल में ही भुनने चाहिए लेकिन धीमी आंच पर, नहीं तो जल जाएंगे। ये 2 बड़े चम्मच मैंने मालवनी मसाला डाला है, इससे कलर बहुत ही, तेल में जब आप मसाले भूनते हो तो ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन आंच धीमी होनी चाहिए। अब हम इसमें बारीक पिसा हुआ ये हरा मसाला डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। फिश करी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, मैंने जिस बर्तन में मसाला पीसा था उसी में पानी डाल के मैं इसमें डाल रही हूँ। फिश करी बहुत ज़्यादा गाढ़ी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, मीडियम होती है, उस हिसाब से आप पानी डालिए। नमक डालेंगे स्वादानुसार, हल्दी डालेंगे, इसे उबलने देंगे। उबाल आ चुका है, अब हम इसे फिश को इसमें छोड़ देंगे। देखिए फिश को मैंने फ्राई करके नहीं लिया है, महाराष्ट्रियन स्टाइल फिश को फ्राई नहीं करते हैं करी में। फिश पकने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है। और इस पर ढक्कन कभी भी ना रखें फिश पकते वक्त। देखिए फिश पकना स्टार्ट हुआ है, वाइट हो चुका है, अगर ढक्कन रखेंगे तो फिश टूट जाएगा। और चम्मच को भी धीरे धीरे चलाएं, नहीं तो ये फिश करी के जगह फिश खीर बन जाएगी। सबसे लास्ट में हमें इसमें कोकम डालना है। देखिए कितनी मस्त बन चुकी है करी, कलर भी कितना अच्छा आया है। अगर आपको ये करी अच्छी लगी है तो ज़रूर ट्राई करके देखिए, लाइक शेयर कमेंट्स करना भूलिएगा नहीं। प्लेन राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है।